गाइस दोस्तों, मैं हूं मेघराज और मैं आज के इस वीडियो में आपके सामने एक स्मार्टफोन्स का रिव्यूज़ ले आया हूं। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे हमारे चैनल पर अपकमिंग स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस डेली अपलोड कराई जाती है, डेली अवेलेबल कराई जाती है। अगर आप हमारे चैनल को विजिट करते होंगे तो आपको डेली मिलती है शाम के टाइम। तो दोस्तों, आज उसी सीरीज का ये एक पार्ट है या फिर इसे एक ट्यूटोरियल आप कह सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक स्मार्टफोन का रिव्यूज़ जिसका नाम आप सभी जानते होंगे दोस्तों, OnePlus 8 का रिव्यूज़ हमने पहले किया था। उसी OnePlus 8 सीरीज का दोस्तों ये एक पार्ट है। तो OnePlus, आज हम OnePlus 7 Pro 5G का रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, ये 5G स्मार्टफोन है और OnePlus का है, तो काफ़ी हद तक आप इसका रिव्यू के बारे में सोच रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, इस रिव्यू में केवल आपको किसी भी फ़ोन की अनबॉक्सिंग या कुछ करके मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये फ़ोन अभी तक मार्केट के अंदर आया नहीं है। और जब तक ये स्मार्टफोन्स मार्केट में आया नहीं है तो हम उसके रिव्यूज ही कर सकते हैं केवल इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेकर। और उसको अगर आपको पूरा देखना है या फिर पूरी अनबॉक्सिंग देखनी है तो फिलहाल जब ये मार्केट में लॉन्च होगा तब आप देख पाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, बात करी जाए सबसे पहले इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। आप सभी जानते होंगे डिस्प्ले किसी भी स्मार्टफोन का हेम एंड एक मेन पार्ट होता है। अगर मोबाइल की डिस्प्ले लॉन्ग टाइम तक चल नहीं पाए, डिस्प्ले बिल्कुल ही बहुत कम समय में मोबाइल की डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी सही नहीं हो, मोबाइल की इंचेज में खराबी हो, मतलब बहुत कम इंच की डिस्प्ले हो, तो काफ़ी हद तक बहुत बेकार लगता है अगर स्मार्टफोन। तो दोस्तों, हम डिस्प्ले के हिसाब से इसकी बात करी जाए, इस स्मार्टफोन के फुल फीचर्स की आगे चलकर हम बात करेंगे। डिस्प्ले दोस्तों, इस स्मार्टफोन में जो आपको मिल रही है वो 6.67 इंच की डिस्प्ले है। और इसकी जो पिक्सल डेंसिटी की बात करी जाए दोस्तों, तो पिक्सल डेंसिटी इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 515 PPI पर बेस्ड है, जो काफी हद तक बहुत बढ़िया है। यानी 6.67 इंच की डिस्प्ले और 515 PPI पर बेस्ट पिक्सल डेंसिटी है, जो बहुत बढ़िया है। पिक्सल डेंसिटी काफी हद तक बढ़िया है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की हम कैमरा की। कैमरा किसी भी स्मार्टफोन का हेम एंड एक मेन पार्ट होता है। आप सभी जानते होंगे हर एक मोबाइल में डुअल कैमराज आजकल पाए जाते हैं, फ्रंट कैमरा एक बैक कैमरा। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक कैमरा की, रियर कैमरा या फिर मेन कैमरा की। तो बैक कैमरा की बात करी जाए दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सपोर्ट्स मिलता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों, 48 मेगापिक्सल का एक बढ़िया कैमरा हुआ जिसके जरिए आप बढ़िया ले पाएंगे, एक वाइड एंगल कैमरा पाया जाएगा इसमें। तो ऐसा करके तीन कैमरे हैं इसके अंदर, 48, 16 प्लस 8 MP का। इसके अलावा बात करी जाए इस स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा या फिर आप सेल्फीज लेते हैं उसका बहुत कुछ यूज करते हैं, तो सेल्फी कैमरा की बात करी जाए दोस्तों, तो इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जिसके जरिए आप बढ़िया बढ़िया सेल्फीज ले पाएंगे। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की हम नेटवर्क की। दोस्तों, पहले ही इस स्मार्टफोन का नेटवर्क में आपको मिल रहा है 5G। तो ये स्मार्टफोन 5G इंटरनेट को सपोर्ट करता है, जो काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, जिसमें हम इसकी बैटरी को लेते हैं। बैटरी की बात करी जाए दोस्तों इसमें, तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जो एक नॉर्मल यूज के लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आज इसकी बैटरी 5000 mAh 6000 mAh की होती तो काफ़ी हद तक बढ़िया होती, लेकिन 4000 mAh में एक नॉर्मल यूज के लिए बढ़िया है, लेकिन इतनी ज़्यादा बढ़िया बैटरी नहीं है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के हम परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की भी यहाँ पर बात करी जाए दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो रैम मिल रही है दोस्तों, 6+128 6GB रैम और 128GB की रोम या फिर इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, जो नॉर्मली उससे काफ़ी हद तक बढ़िया है। अब परफॉर्मेंस के हिसाब पर स्मार्टफोन बहुत बढ़िया है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके हम प्रोसेसर की। प्रोसेसर की बात करी जाए दोस्तों, तो इसके अंदर आपको ओक्टा कोर का 2.84 GHz पर बेस्ट इसकी स्पीड को बूस्ट करने के लिए सिंगल कोर का प्रोसेसर लगाया गया है, सिंगल कोर 2.42 GHz पर, जिससे काफ़ी हद तक इसकी स्पीड को बूस्ट मिलता है। दोस्तों, इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो मैंने आपको बता दिया है, 2.84 GHz का क्वाड कोर ऑक्टा कोर का प्रोसेसर लगाया गया है, और इसकी स्पीड को बूस्ट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए सिंगल कोर का 2.42 GHz का प्रोसेसर लगाया गया है, जो काफ़ी हद तक बढ़िया है। अब बात करी जाए दोस्तों इस स्मार्टफोन के GPU ग्राफिक्स की। ग्राफिक्स की बात करी जाए तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि स्नैपड्रैगन का लगाया गया है, तो इसके अंदर ग्राफिक्स आपको एंट्रीनो का 640 मिलता है, जो काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया है। और हम बात करते हैं इसके चिपसेट की। चिपसेट इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 लगाया गया है, जो बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं इस
स्मार्टफोन की हम प्राइस आप सभी देख जानते होंगे कि प्राइस के हिसाब से ही हम स्मार्टफोन लेना पसंद करते हैं। तो प्राइस की बात करी जाए दोस्तों इसी स्मार्टफोन की, तो इसकी प्राइस लगभग 60,999 रुपये रखी गई है, जो इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से रखी गई है। परफॉर्मेंस के हिसाब से स्मार्टफोन काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया है, लेकिन बैटरी के हिसाब से इतना बढ़िया नहीं है। वैसे स्मार्टफोन 5G स्मार्ट को सपोर्ट करता है, 5G को तो काफ़ी हद तक बढ़िया है, लेकिन इसका मेन नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसकी बैटरी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। कैमरा एक नॉर्मल यूज़ के लिए बढ़िया है, डिस्प्ले के हिसाब से बहुत बढ़िया है स्मार्टफोन है। अगर आप 60,000 की रेट में इसे अफोर्ड कर सकते हो तो स्मार्टफोन आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप 5G को अभी ना लें तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि भविष्य में 5G के नए से नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को डेली विजिट जरूर करें, क्योंकि हम डेली नए से नए स्मार्टफोन्स के रिव्यूज़ आपके लिए लाते हैं। अब बात करी जाए दोस्तों ये स्मार्टफोन कब तक मार्केट के अंदर आ जाएगा, तो स्मार्टफोन की बात करी जाए तो ये जनवरी 2020 तक मार्केट में आने की संभावना एक एक्सपेक्टेड है, इसकी प्राइस भी एक एक्सपेक्टेड है। फिलहाल इसकी लॉन्चिंग डेट ऑफिशियल डेट लॉन्च नहीं करी गई कि ये कब तक मार्केट के अंदर आ जाएगा, लेकिन जब तक ये मार्केट में नहीं आता है तो केवल इसकी सभी संभावनाओं के बिहाव पर हम इसके रिव्यूज करते हैं, और जब तक ये मार्केट में आ जाएगा तो उसका फुल डिटेल्स में हम रिव्यू आपको बता देंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको कैसी लगी, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम नई से नई वीडियोज आपके लिए ला सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से प्रेम पूर्वक हार्दिक अभिनंदन। अगर आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें और नीचे अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।